नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कर्नाटक के उडुपी में आज फिर हिजाब पर हंगामा छिड़ गया है। उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में हिजाब पहने लड़कियां और भगवा धारी लड़के आमने सामने आ गए। कॉलेज कैंपस में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज आई हैं, तो वहीं हिंदू लड़के भी सिर पर भगवा साफा और गले में भगवा गमछा लटकाकर कैंपस पहुंचे हैं। इस हंगामे के बीच हिजाब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है। सभी की निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई के फैसले पर टिकी हुई हैं। हिजाब विवाद की सुनवाई 6 छात्राओं की ओर से की गई याचिका पर हो रही है। इस हंगामे की वजह से क्लास नहीं चल पा रही है और ये मामला इतना तूल पकड़ गया है कि अब ये हिजाब वर्सेस भगवा हो गया है। लड़कियां कुछ अपनी मांगों को लेकर अड़ी हैं। वो ये कह रही हैं कि हम हिजाब पहनेंगे, हिजाब पहनकर ही स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, ये हमारा हक है। कुछ लोगों का मानना यह है कि स्कूल में कॉलेज में एक यूनिफॉर्म होती है, वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहनी चाहिए। तो वहीं कुछ का मानना यह है कि यदि हिजाब पहन के आ सकते हैं, बुर्का पहन के आ सकते हैं, तो हम भी भगवा पहन कर क्यों ना आएं। संवाददाता टी राघवन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राघवन, ये अब मामला जो है ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, पॉलिटिकल मसला बन गया है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, करीब 1.5 महीने पहले इस विवाद की शुरुआत हुई थी जब सिंगापुर के गवर्नमेंट यू कॉलेज ने जो वहाँ के प्रिंसिपल है उन्होंने देखिए वहाँ पर 98 मुस्लिम बच्चियां पढ़ती थी, उसमें से सिर्फ 6 बच्चियां हिजाब पहन कर आई थी। वहां पर उन पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। उसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ लिया है मीनाक्षी जी, करीब करीब 15 से 17 शहरों में लगातार इस बात को लेकर पिछले 1 सप्ताह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बीते शनिवार को कर्नाटक सरकार ने ये साफ साफ आदेश जारी किए थे सारे पीयू कॉलेजेस को, ये कहते थे कि अब कोई भी अगर हिजाब पहनकर बच्ची कॉलेज आ रही है तो उसे कॉलेज के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। यही नियम उन लड़के लड़कियों पर भी लगे थे जो भगवा स्कार्फ या फिर भगवा साफा पहनकर आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस लगातार चल रहा है क्योंकि अब इसने पूरा राजनीतिक रंग ले लिया। मुझे राघवन पहले एक जानकारी दे कि जिस कॉलेज का पूरा मसला है वहाँ पर क्या कॉलेज की कोई यूनिफॉर्म है या फिर बच्चे कुछ भी अपने हिसाब से अपने मन मर्जी से पहन कर आते हैं? मीनाक्षी, इंटरमीडिएट कॉलेज है, 10th तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था होती है। जो इंटरमीडिएट कॉलेज होता है जिसे हम PU1, PU1 और PU2 कहते हैं, 11वीं 12वीं जिसे कहा जाता है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं 11वीं 12वीं तो आपको यूनिफॉर्म पहनना होगा, लेकिन अगर आप PU कॉलेज में पढ़ते तो वहाँ पर यूनिफॉर्म की कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन ये जरूर कहा गया है रूल बुक में प्री यूनिवर्सिटी के कि क्लासरूम में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और यही स्टेटमेंट आज कर्नाटक सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल भी किया गया है। अभी हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। 2 सेट ऑफ पिटिशन है, 5 लड़कियों की तरफ से 1 पिटिशन डाला गया है और 1 लड़की की तरफ से 1 पिटिशन डाला गया है। 1 पिटिशन लिस्ट हुई है, दूसरी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। इसलिए दूसरे पक्ष के एडवोकेट जो ये कह रहे हैं कि हमारी पिटिशन को भी लिस्ट करके स्कूल के पूरे मामले को एक साथ सुनना चाहिए, जिस पर अभी फिलहाल हाईकोर्ट में बातचीत चल रही है और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन। ठीक है राघवन, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारियां हम आपसे लेंगे। लेकिन पहले जो लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज आना चाहती हैं, स्कूल जाना चाहती हैं, वो क्या कह रही हैं, एक बार उनकी राय हम जरा दर्शकों को सुनाते हैं। Why suddenly, sir? After so many years, why suddenly? We have been wearing this for three years. I've been wearing this. Why suddenly they have a problem with this? We are not chanting anything. We didn't start anything. It's them. They started. They are trying to make standing in one room and they started yelling from there. They were standing there and they started yelling. We were in the room. We were waiting for principal to come and talk to us, but he did not listen to us. Government given 2 options. You choose hijab or choose. Yes, and yesterday they had told that we have agreed. We did not agree. Listen to me. Government has said you wear hijab or you leave classes. What do you say to that? We are not going to leave hijab and we want to get education. It's been 70 years we have got independence and I still feel like we have not got independence properly. They are saying there. अच्छा, आपने 2-3 बातें इन लड़कियों की सुनी। उन्होंने कहा कि हमने आज़ादी बहुत पहले पा ली लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हम आज़ाद हुए हैं। हम 3 साल से ये हिजाब पहन रहे हैं लेकिन पहले कभी इस तरीके से हमारे ऊपर नारे नहीं लगाए गए या कुछ इस तरीके की बातें नहीं कही गई। अचानक से एकाएक ये कौन सी परंपरा शुरू हो गई है? तो ये इन लड़कियों का कहना है। राघवन, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवन, ये लड़कियाँ कब से हिजाब पहन कर कॉलेज आ रही हैं?
जी देखिए, इस बारे में दो तरह की बातें हैं। जो लड़कियों के पक्ष से ये कहा जा रहा है कि वो लगातार हिजाब पहनकर आती हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के, जहां पर ये विवाद हो रहा है मीनाक्षी, और जो सरकार की कमेटी है जो वहां पर दौरा करने के लिए गई थी कल, उनका ये कहना है कि वहां पर क्लासरूम के अंदर कभी भी हिजाब पहनकर लड़कियों को इजाजत नहीं दी गई। हालांकि कॉलेज परिसर में लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर दाखिल होती हैं उनको वहां से वो हिजाब उसको रिमूव करना पड़ता है। और इससे संबंध में 2009 और 10 से लेकर अब तक की सारी फोटोग्राफ जो है वो सरकार की तरफ से अभी हाईकोर्ट को थोड़ी देर में सबमिट की जाएगी। इसमें यह कहा जाएगा कि हिजाब जो है उसमें कभी भी अलाउ नहीं किया गया। हालांकि एक बात जरूर हुई है पिछले दो सालों में, जब कोविड से पहले जैसा मैंने आपको बताया कि एथिक्स सेंटर है कुंडापुर गवर्नमेंट पीयू कॉलेज, जहां पर 6 से 7 बच्चियां हिजाब पहनकर आती थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद लगभग डेढ़ साल कॉलेज बंद हो गए। उसके बाद जब ये लड़कियां फिर से हिजाब पहनकर आने लगी तब कुछ ऑब्जेक्शन एक टीचर ने उठाया था। उसके बाद अच्छा, मुझे राघवन एक बात बताएं कि जिस इलाके की ये पूरी घटना है, हम उडुपी की बात कर रहे हैं, उस उडुपी में सामाजिक समीकरण क्या है? क्या वहाँ पर बच्चियों का स्कूल कॉलेज तक पहुँचना मुश्किल है, या क्या वहाँ पर बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस में, मैं खास तौर पर मुस्लिम लड़कियों की बात कर रही हूँ, वहाँ पर एजुकेशन में कोई परेशानी आती है? क्या घर परिवार से कोई रोक टोक है? इस तरीके का क्या कोई माहौल है? देखिए, ये विवाद जो है एक पक्ष की तरफ से रखा जा रहा है कि थोड़ा कंजर्वेशनल खास है, इसकी वजह से बच्चियों को वहां पर कॉलेज नहीं पहुंचाया जाता। ये कल जब प्रिंसिपल से इनकी मीटिंग हुई थी, जब एक बार इन्हें कॉलेज के अंदर अलाउ किया था, तब भी उनका यही कहना था कि हम कॉलेज के बाहर इसलिए खड़े नहीं रह सकते क्योंकि हमें घर वालों की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आप हिजाब लगाकर घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो हम आपका कॉलेज जाना बंद कर देंगे। लड़कियां ये कह रही थी कि हम पढ़ना चाहती हैं इसलिए आप हमें अलाउ कीजिए। अब तक अगर आपसे कोई परेशानी नहीं थी तो आप सिर्फ 2 महीने रह गए एग्जाम के लिए, अब क्या? लेकिन अब जब ये जो मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल सब इसके भागी होते हैं, क्योंकि सरकार, जैसा हमने आपको बताया, फ्री यूनिवर्सिटी की रूल बुक में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि फ्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई समान यूनिफॉर्म है। उस स्थिति में यही एक बात हुई है कि कर्नाटक सरकार ने भी एक समिति का गठन किया कि इसको पूरा स्टडी कर दिया, और हो सकता है कि कुछ दिनों में हम देखेंगे कि वहाँ पर भी यूनिफॉर्म की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच जो विवाद हो रहा है ये यही हो रहा है कि जब ठीक है राघवन देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। स्कूल और कॉलेजेस पढ़ने की जगह होती है, वहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए। वहाँ पर अगर हिजाब को लेकर या भगवा गमछा डालने को लेकर, पगड़ी डालने को लेकर अगर इस तरीके के विवाद खड़े होते हैं तो बेशक पढ़ाई में खलल पड़ता है, एजुकेशन में खलल पड़ता है। ये बात दोनों तरफ के पक्षों को समझनी चाहिए और समझनी होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राघवन आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।